अधूरा ज्ञान और ज्ञान का गलत उपयोग दोनों ही खतरनाक हैं। अगर आप किसी चीज की जानकारी रखते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए, पूर्ण जानकारी हासिल कीजिए। आपके अधूरे ज्ञान से आप ही को नुकसान है। थोड़ी सी जानकारी के साथ अगर आप सोचते हो कि आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका है, सब जान चुके हैं, आप बहुत खतरे में पड़ गए हैं। हम आगे बढ़ेंगे अधूरा ज्ञान किस प्रकार से हमें नुकसानदायक स्थिति में लेकर चलती है। आखिरकार आज मूसा को हमने राजा के सामने खड़ा कर दिया। दोनों के बीच में बातचीत चलती है, गर्मी पकड़ लेती है। राजा फिरौन के सामने खड़े होकर मूसा कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे आपके सामने इसलिए भेजा ताकि मैं अपनी प्रजा को यहाँ से 3 दिन की यात्रा में लेकर चलूँ, जहाँ हम मिलकर परमेश्वर की उपासना करेंगे। राजा ने कहा, वो काम तो यहीं पर कर सकते हो। मूसा कहते हैं, नहीं, परमेश्वर ने हमसे कहा है अलग दूर हो जाना और सबको लेकर आना, सपने वस्तुओं को भी लेकर आना। राजा कहते हैं, आप आलसी लोग हो, काम छोड़कर भागना चाहते हो। उपासना के नाम से, आराधना के नाम से, परमेश्वर के नाम से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। राजा और मूसा के बीच की जो बातचीत है वो गर्मी पकड़ लेती है। बहुत तेज वार्तालाप चलती है, दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। राजा भला 20 लाख लोगों को क्यों छोड़ेगा, अब 20 लाख लोगों को छुड़ाने की प्रयास भला मूसा क्यों छोड़ेंगे। अपने ज्ञानियों के साथ में बैठे थे राजा, मूसा और हारून दोनों अकेले सामने खड़े हैं। बातचीत अगर काम नहीं कर रही है, अपनी शक्तियों को दिखाकर राजा को डराने और उनको धमकाने की कोशिश चल रही थी। मूसा ने तुरंत अपनी लाठी नीचे फेंक दी। राजा के सामने बहुत बड़ा सांप बन गया था। जिस तरह होर पर्वत के पास मूसा सांप को देखकर भाग गया था, वैसे ही राजा डरकर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजा ने अपने ज्ञानियों को बुलाकर कहा, इसने जो काम किया है तुम नहीं कर सकते क्या? इस सांप को क्या करेंगे? इसे हमें छुड़ाओ। राजा के जितने भी ज्ञानी लोग थे जिनके पास मंत्र तंत्र की शक्तियाँ थी, उन्होंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी इस काम को करेंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी लाठी फेंक दी। बहुत से लाठियाँ वहाँ पर नीचे गिर गई थी और सारी लाठियाँ सांप बन गए थे। अब ये सांप सब मिलकर मूसा के सांप के साथ लड़ाई करने लगे। एक के बाद एक होकर मूसा के सांप सारे सांपों को निगलने लगी। जब सब खत्म हो गया है, मूसा ने अपनी सांप की पूंछ पकड़ी तो फिर से वो लाठी में बदल गया था। अधूरा ज्ञान था उनका। सांप तो बना सकते थे लेकिन सांप को वापस लाठी नहीं बना पाए राजा के ज्ञानी लोगों ने। इतनी चमत्कार देखने के बाद भी राजा ना तो डरा ना अपना मन को बदला, परंतु और कठिन और कठोर और हठीला हो गया था। मूसा ने राजा से कहा, राजा अगर इस प्रकार है तो मैं नील की पानी को मैं रक्त में बदल दूंगा। राजा चुनौती का सामना करते हैं, राजा के ज्ञानी भी चुनौती का सामना करते हैं। मूसा ने अपनी लाठी उठाकर नील नदी पर जब मारी, नील नदी की पानी सब रक्त में बदल गया था। राजा के ज्ञानियों ने मंत्र तंत्र की शिक्षा जो प्राप्त की थी, अपनी अनोखी शक्तियों के साथ उन्होंने भी वही कोशिश किया था। उन्होंने कहा, नील की क्या बात है, हम हर झील को भी मारेंगे। वे लोग सारी जगह पर जाकर पूरे मिस्र के पानी को उन्होंने रक्त में बदल दिया था। अब मिस्र देश में इनकी पीने के लिए पानी नहीं था, मिस्र लोगों के सामने कोई जल नहीं था, घर के जितने भी पानी थे वो खत्म हो गए हैं। अब पानी के लिए इंतजार कर रहे थे लेकिन वो रक्त में बदल चुका है। राजा अपने ज्ञानियों से कहते हैं, मूसा ने तो सिर्फ एक जगह रक्त में बदल दिया, तुमने तो सारा देश को रक्त में बदल दिया है, अब जाओ इसे वापस पानी बनाओ। राजा के ज्ञानी लोग कहने लगे, राजा क्षमा कीजिए, हमारे पास इसे पानी को रक्त में बदलने की ज्ञान है लेकिन रक्त को पानी में वापस करने के ज्ञान हमारे पास नहीं है। राजा को झुकना पड़ा मूसा के सामने और मूसा से कहते हैं, चलो ठीक है, मैं आपकी प्रजा को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन इससे पहले इस रक्त को फिर से पानी में बदल देना। राजा की बात का विश्वास करते हैं मूसा और जाकर फिर से उस नील नदी को छूते हैं तो पानी में बदल जाता है। लेकिन राजा अपने मन को नहीं बदले हैं, इसराइलियों को नहीं छोड़े हैं, उन्होंने अभी भी पकड़ के रखा है, मूसा अभी भी राजा के सामने हैं। हम कल अपने ध्यान में जाएंगे कैसे मूसा आगे ले चलते हैं, क्या वो अपने इसराइलियों को छुड़ाने में आसानी से कामयाब होते हैं, कैसी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, और इतने ज्ञानियों के सामने क्या मूसा का ज्ञान कोई काम करेगा, उनकी शक्तियों के सामने मूसा की शक्ति कोई काम करेगी, हमारे दुश्मन के हाथों में क्या हम हार जाएंगे या फिर दुश्मन के हाथों में हम सफल होकर आगे बढ़ेंगे,
इन बातों को कल हम ध्यान करेंगे, लेकिन आज अधूरे ज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अधूरा ज्ञान कभी ना रखना, थोड़ी सी ज्ञान कभी ना रखना, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना, अगर ऐसा ना हुआ वो खतरनाक हो सकता है। आप जब भी किसी से बात करते हो, जब भी किसी के साथ कोई काम करते हो, पूरा ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़िए। आज मार्केट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, बदल चुके हैं, जो शॉर्टकट में सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान को प्राप्त किए बगैर लोग अपने डिग्री को खरीदने की कोशिश करते हैं। बिना ज्ञान के लोग नौकरी करने की कोशिश करते हैं। बिना ज्ञान के लोग बड़े बड़े जगहों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब अपने घर चलाते हो, अपने समाज चलाते हो, परिवार चलाते हो, या फिर कोई ऑफिस, कोई कंपनी चलाते हो, या फिर कोई राज्य या देश चलाते हो, अगर आपका ज्ञान अधूरा है, आप सबको खतरे में डाल देंगे। आपकी अधूरी ज्ञान, अधूरी जानकारी न केवल आपको डुबाएगी परंतु सबको डुबा देगी। इसलिए हमें ये कोशिश करना है पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। एक छोटे से उदाहरण में आपको बताकर आज के इन वचनों को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। जब परमेश्वर के भक्त लोग चंगाई करते हुए, लोगों को छुड़ाते हुए, दुष्टात्मा को भगाते हुए प्रजा की मदद कर रहे थे, उनका लाभ कर रहे थे, इस ज्ञान को देखने के बाद कुछ मंत्र तंत्र के लोग आकर उनसे कहने लगे, हम थोड़ा सा पैसा आपको दे देंगे, हमें भी ज्ञान को सिखा दो, ये ज्ञान हमें बता दो कि कैसे आप इस काम को कर रहे हो। हम जानते हैं कि बाइबल से प्रेरितों ने जितने भी काम किए थे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से काम किए थे, पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्होंने काम किया था, लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश वे कर रहे थे। और दुष्ट आत्मा ग्रस्त किसी व्यक्ति के पास जाकर जो काम प्रेरित पौलुस करता उन्होंने देखा था, उसी तरह से काम करने की कोशिश किए थे। दुष्टात्मग्रस्त व्यक्ति से जाकर कहते हैं, जिस यीशु को पौलुस प्रचार कर रहे हैं उस यीशु के नाम पर मैं तुझे हुक्म करता हूं, तो शरीर को छोड़कर चला जा। उसके भीतर से दुष्टात्मा कहने लगे, पौलुस को तो हम जानते हैं, यीशु मसीह को भी जानते हैं, पर आप कौन हो मुझे बताओ। जैसे सवाल उनसे पूछा गया उनके पास जवाब नहीं था, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके वस्त्रों को भी फाड़ देते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं। अधूरा ज्ञान कभी ना रखना, आदि ज्ञान के साथ कभी ना चलना। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत समझदार हूं, कभी किसी के सामने दिखावा ना करना। आपका ज्ञान आपके लाभ के लिए, आपके उपयोगी होना चाहिए। आपका ज्ञान दिखावे के लिए मत रखिए। बहुत से लोग हैं जो कुछ भी जानते हैं उसको दिखावा करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नीचे दिखाते हुए अपने आप को ऊंचा करते, ज्ञानी के स्थान पर रखते हुए लोग अपनी दिखावा करना चाहते हैं। दिखावे की ज्ञान झूठी शान है, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों, इन वचनों को सुन रहे हमारे आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक के श्रोताओं, हम आपसे नम्र निवेदन ये करते हैं, ज्ञान अर्जन कीजिए अपने लाभ के लिए, दूसरों के लाभ के लिए। ज्ञान अर्जन कीजिए पूर्ण ज्ञान, आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। कभी किसी को दिखाने के लिए इसका उपयोग ना करना, परंतु अपने लाभ के लिए करना। मैं स्वदेश के राजा के साथ जितने भी ज्ञानी और मांत्रिक लोग थे अपनी दैविक शक्तियों को दिखाने की कोशिश किए थे, उसका लाभ नहीं हुआ था। मूसा ने केवल दिखाने की कोशिश नहीं किया, परंतु उनका लाभ पहुँचाने की कोशिश किया था। इसलिए मूसा ने रक्त में बदला हुआ नील नदी को फिर से पानी में बदल दिया था, लोगों की प्यास बुझा दिया था, लोगों की जीवन वापस लेकर आया था, लोगों को मदद उन्हें पहुंचा दिया था, उन्हें जिंदा खड़ा कर दिया था। आपकी ज्ञान किस प्रकार की है, विनाशकारी है या फिर निर्माणात्मक है? एक बार अपने आप से सवाल करें, आप किस दिशा में जा रहे हो, क्या कर रहे हो? कई सारे वचन आप सुन रहे हो, किस लिए आप सुन रहे हो, उसका क्या कर रहे हो? अगर आपने सुना वचन को और प्राप्त किए ज्ञान को जीवन में अमल नहीं करेंगे, आपका किसी काम का नहीं है वो। ज्ञान को बढ़ाइए, आगे बढ़ते चलिए। परमेश्वर आपके दिन को बड़ी आशाओं के साथ भरे। गॉड ब्लेस यू।